नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है, कौन सी वजह से आता है और किस गलती की वजह से हम पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन बजाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे ढेर सारे मैसेज आ रहे थे कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। जी हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है, किस वजह से आता है, हमारी कोई गलती भी नहीं है फिर भी हमारा कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है जिस वजह से हमको टर्मिनेट किया जाता है, हमको ऑप्शन दी जाती है या वीडियो डिलीट किया जाता है हम लोगों का अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो। आज हम बताने वाले हैं कौन सी गलती है जो आप करते हो और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आप कमेंट ही करने से और कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हो। सबसे पहले जो चीज़ आती है कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। जी हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है, किस वजह से आता है। कॉपीराइट स्ट्राइक आता है अगर आप किसी का सॉन्ग यूज़ करते हो या किसी की वीडियो यूज़ करते हो, उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आता है। जैसा कि मान लो, जैसा कि ये मेरी वीडियो, अगर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ भी लिसेंस कुछ भी होता है उनको पता होता है, लिसेंस में लिखा होगा हाँ भी मेरी वीडियो को सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप किसी का सॉन्ग यूज़ करते हो और उसी के साथ में उनकी वीडियो भी यूज़ करते हो, उसमें आपको कम्युनिटी गाइडेंस पड़ती है। अगर आप सिंगल सॉन्ग यूज़ करते हो उसमें आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। जैसे कि मान लो आप एक सॉन्ग लेते हो, उसको अपनी वीडियो में अपलोड कर देते हो या अपने चैनल में अपलोड कर देते हो या किसी कवर सॉन्ग में लगा देते हो, उसमें आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ता है। जी हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए पड़ता है क्योंकि आपने उनका सॉन्ग लिया है और उसी के साथ में उनके जो पूरे सॉन्ग के जितने भी पैसे बनेंगे या अर्निंग होगी वो सब पैसे उनको जाएगा, ना कि आपको मिलेगा। ऐसे ढेर सारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं YouTube की टीम के लागू करने के, और एक कम्युनिटी गाइडेंस भी होता है जिनकी आप वीडियो या ऑडियो यूज़ करते हो। अगर एग्जांपल के तौर में बता दूँ, अगर आप सारे गामा पा का कोई भी गाना आप ले लेते हो, आप इस वीडियो में कोई भी गाना गुनगुनाते हो, आप भी गुनगुनाते हो, उसमें भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकता है क्योंकि उन्होंने YouTube की टीम को बोला है जी हाँ यह हमारा सॉन्ग है, इसके अलावा और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई यूज़ करता है उसको यह टर्मिनेट किया जाता है उनके चैनल को, या कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जाता है या कम्युनिटी गाइडेंस भी दिया जाता है। अगर इसको ज़्यादा लागू कर देते हो, मतलब कि एक वीडियो अपलोड किया, दो किया, तीन किया, उसी के आपका चैनल सस्पेंड भी हो सकता है इस वजह से। एग्जांपल के तौर में मैं बात करता हूँ अपनी, अगर मैं किसी का भी वीडियो को चुरा कर या वीडियो लेकर मैं उस पर वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करके उनके ऊपर मैं अपनी वॉइस छोड़ता हूँ या कुछ भी डिटेल में बताता हूँ, उस पर कम्युनिटी गाइडेंस चेक नहीं पड़ती, ना कि कॉपीराइट चेक भी नहीं होता। क्योंकि जितना उनका 5 मिनट का वीडियो होता है, 5 मिनट के वीडियो में आप उनके 3 मिनट की वीडियो काट देते हो और 3 मिनट की वीडियो को आप उसको ऐड कर लेते हो। ऐड करने के बाद उसमें आप अपना वॉइस ओवर भी दे देते हो, इससे पता चल जाता है YouTube की टीम पर हाँ भी ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। ऐसे देखा जाए तो आपको भी ढेर सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसा किया है, जो कि करके आगे बढ़े हैं। अगर आप भी सोचते हो हाँ भी मैं भी अगर पूरी वीडियो उनकी डाल दूँ, अगर पूरी वीडियो उनकी डालोगे तो आप पर 100% कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और उसी के साथ में जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो सब उस YouTube को जाएगी जिनों का आपने वीडियो चुराया है। अगर आप वीडियो लेते भी हो, लेने के बाद उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करो, अपना वॉइस ओवर छोड़ो, वॉइस ओवर छोड़ने के बाद अपना फेस दिखाओ हाँ भी हम भी बोल रहे हैं, और 5 मिनट की वीडियो में को एडिट करके कम से कम 2 या 1.5 मिनट की वीडियो बनाओ और उसी के साथ अपना 5 मिनट का वीडियो पूरा प्रॉपर बनाओ, इससे कोई भी आपको कम्युनिटी गाइडेंस भी नहीं पड़ेगी और कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं लगेगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है, किस वजह से आता है, हम किसी का वीडियो चुराते हैं इसलिए हम पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और कैसे इसको हटाने सकते हो आप। जी हाँ, आप सबको यह समझ में आ गया होगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।